देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जो किसी टाइप में नहीं आते पर किताबों में दिए हुए हैं, जैसे डी एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, लो जी मैंने आपको इतनी इंडिकेशन सिखा दी। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आ भी जाता है और सॉल्यूशन गिवन है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। देखो ऊपर वन तो होता है, वन की जगह रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां बन गया सीकेंट एक्स टैन एक्स, सारा खेल ही सिंप्लीफिकेशन का। और यहां बन गया कुछ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस प्लस। जैसे ये क्वेश्चन देखो डी एक्स ओवर साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, फिर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे, एंगल तो सेम ही रखना पड़ता है। लो जी अलग अलग करो, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, लो जी एक कट गया, यहां बन गया सीकेंट एक्स सॉरी टैन एक्स एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स, लो जी एक कट गया, यहां बन गया कॉट एक्स एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। जैसे टैन को टी डालोगे सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, टी डी टी होगा, यहाँ जेड माइनस जी जेड हो जाएगा, लो जी ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय टू प्लस टी की वैल्यू, जेड की वैल्यू, लो प्लस टी। करो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लो जी ये इनटू है, नेक्स्ट करेंगे डी एक्स ओवर कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस, फॉर्मूला लगा दो नीचे, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू टू एक्स एंड साइन माइनस वन बाय टू कॉमन ले लोगा, ऊपर रख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये रख दो टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड टू साइन एक्स माइनस वन बाय फोर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स,
कट गया, तो सीकेंट एक्स कॉट एक्स हो गया जी। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ठीक है जी। नेक्स्ट कॉस 9x अपॉन साइन एक्स, देखो कॉस 8x कॉस एक्स बाय ठीक है जी। लो जी एट कॉस एट को लिखो कॉस स्क्वायर एक्स की पावर फोर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को टी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर की पावर फोर डी टी ओवर टी। लो जी बोलो जी वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर वही पहले वन से करेंगे फिर टी फोर से करेंगे फिर माइनस टू टी स्क्वायर से करेंगे। ठीक है कंबाइंड करो जो टी फोर पहले टी एट फिर टी सिक्स दो स्क्वायर वाला आएगा टी स्क्वायर लॉजिक सिंप्लीफाई करके बताए यहां टी सेवन टी डी टी टी फाइव डी टी टी क्यूब डी टी डी टी वाई टी एट बाई एट, इसका इंटीग्रेशन यहाँ कर देता हूँ टी एट बाई एट टी को रिप्लेस कर देना, टी को क्या कर देना रिप्लेस कर। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दे रही है जो मिसलेनियस कर रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही। ये तो मैंने बड़े वाला करा दिया अब इसमें छोटी पावर आए तो और भी आसान है। इसके दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं शुरू कर लेना ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है पेपर में आए होते हैं। एक ये भी कर लेना साइन नाइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तीन क्वेश्चन कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर ठीक है जी।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन बहुत भारी पड़ता है चैप्टर, अगर इनडेफिनेट नहीं आता हो तो डेफिनेट सीखना बड़ा मुश्किल है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई ऊपर वाले से डिवाइड। जिससे कि ये ऊपर से रूट हट जाए। लगाओ जी साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन, दोनों को नीचे अलग अलग ऊपर। ये देखो जी जो जो कॉस अल्फा है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो क्या है कांस्टेंट है फॉर्मूले के साथ, कॉस अल्फा बाहर ले लो, साइन स्क्वायर एक्स को नीचे कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है जी। और यहां तो है ही है, साइन अल्फा बाहर ले लो, साइन स्क्वायर एल का व्यू चेंज कर लो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एल, जिससे कि करने में दिक्कत ना आए, कुछ वन से वन कट जाएगा, कॉस एक्स को टी रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी, टी टी स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, एक मिनट, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स टी ओवर कॉस। देखो स्पेशल का कितना जबरदस्त रोल है, स्पेशल इंटीग्रेशन अच्छे से आनी बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो बचाना, इसको जेड लेते सॉरी, क्योंकि दोनों टी नहीं ले सकते, जेड लोच क्वेश्चन कंप्लीट, एनसीईआरटी का करवाना इसलिए आवश्यक हो जाता है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द Pause the video and copy the answer. ये खत्म होने के बाद डेफिनेट शुरू हो जाएगी, डेफिनेट बहुत स्कोरिंग होती है, हमें पता होता है ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि ये पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए। लो जैसे ये देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, लो जी डी एक्स
ठीक है जी, टैन इनवर्स एक्स को ले लो, टैन टैन इनवर्स एक्स को ले लो थीटा, एक्स क्या हो जाएगा टैन थीटा, या आप इसको ऐसे ही ले लो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या डी थीटा बाय डी एक्स, यानी डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी थीटा, ई ये हो गया थीटा, ये हो गया वन प्लस टैन थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये वैसे ही रिमूव हो गया कि क्या बन गया थीटा। ध्यान से देखो, ई थीटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइड, टैन थीटा हो गया एक्स और वो हो गया टैन इनवर्स प्लस सी, ठीक है ना जी। जैसे ये क्वेश्चन अंदर ही अंदर साइन से मल्टीप्लाई, साइन फोर एक्स हो जाएगा और साइन से डिवाइड कर, ये बाहर आके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अंदर ही अंदर बन जाएगा रूट कॉट एक्स, कॉट एक्स को टी रखो, माइनस प्लस सी, टी को रिप्लेस करो, ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जो किसी टाइप में कवर नहीं हुए हैं, इसलिए 10-15-16 क्वेश्चन होते हैं, अब हम लास्ट में करवा रहे हैं, रिवाइज करें और सारी प्रॉब्लम्स को से दूर रहें। ठीक है जी, आई अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ओवर एक्स ए एक्स माइनस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम जो पोर्शन है उसको क्या लेट करते हैं एक्स को, क्योंकि वन बाय टी करते हैं, पर यहां पर ए चिपका हुआ साधन, एक्स इज इक्वल टू ए बाय टी, डी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा माइनस ए बाय टी स्क्वायर, माइनस ए बाय टी स्क्वायर ये हो गया ए बाय टी, ए स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टी बचा, ये टी और ये टी स्क्वायर कट गए, ये ए से ए कट गया,
ए बी कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर बचा पी माइनस वन, पी की वैल्यू होगी ए बाय एक्स। e पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x, n log m, log m की पावर n, ई से लॉग उड़ जाता है, ऊपर बचा ए फाइव एक्स फाइव एक्स फोर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर। लो जी, ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर कट गए, करो नो pause the video and copy the answer. इतना कुछ कर लोगे मोर देन सफिशियंट है, इनडेफिनेट 100% कंट्रोल में आ जाएगी आप। ठीक है जी, लो लो जी, ये हो जाएगा साइन फोर एक्स ठीक है जी, फिर तोड़ो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा ए फोर प्लस बी फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ध्यान से देखो ये आपस में कट जाएंगे, ये भी वन हो जाएगा, ये पूरा आपस में कट गया, ये भी क्या हो गया वन हो गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भी रिवर्स कर लो, ये हो गया कॉस टू एक्स। ठीक है जी, धीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो, लो e log साइन x, e से log रिमूव हो जाएगा, ये देखो पुराने टाइप में पहुंच गए शुरुआत में जो हमने करे थे, cos क्यूब को चेंज कर लो, साइन x को t ले लिया,
ही होगा। थ्री लॉग एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 डी एक्स। लो ई लॉग एक्स क्यूब एक्स 4 प्लस 1। जैसे नीचे वाले को टी रखोगे ऊपर वाला आ जाएगा डी टी बाय 4 बाय टी 1 बाय 4 लॉग टी, टी की वाली रख दो। करो जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। सुपर हिट क्वेश्चन है ये, 5 की पावर x t है। अगर 5 की पावर x को आप t लोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, 5 की पावर x इंटू 1 log 5, ठीक है जी। फाइव की पावर टी और ये हो गया आपका डी टी बाय लॉग 5। अभी भी कसर है, फिर 5 की पावर टी को जेड लो, 1 लॉग 5 डी जेड बाय लॉग 5। ये हो गया 5 की पावर z, ये हो गया tz बाय log 5, log 5 बाहर ले। क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। इंटीग्रेशन सेम डिवाइड बाय 1 log 5 प्लस z है 5 की पावर t, ये हो गया log 5 का क्यूब। फाइव की पावर t क्या हो गया, 5 की पावर x। लो अब इसके 3-4 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, कर लेना प्रैक्टिस में। कर लोगे तो पेपर में आ गया तो बल्ले बल्ले है, और ये आया हुआ है 2 दिन बाद, ठीक है जी। लो जी करो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है जी। ठीक है जी। डेरिवेटिव भी होगा, एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। एक्स फोर माइनस एक्स की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स फाइव। लो जी, एक्स की पावर 4 अगर कॉमन लें तो बाहर आके तो हो जाएगा एक्स क्योंकि पावर, और ये अंदर ही अंदर हो जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स ही है। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स। एक कट गया जी, लो जी डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 3/x³। डेरिवेटिव भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये हो गया t^(1/4), ये हो गया dt/ ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, लो जी फॉर्मूला लगा दो, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अंदर से साइन कॉमन ले लो, ये हो गया साइन 4x, साइन एक्स कॉमन और कॉस अल्फा यहां बन गया कॉट एक्स साइन अल्फा। 12 के स्क्वायर, 12 आगे ऊपर आगे क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये 0, dt/ साइन अल्फा।
अंदर ही अंदर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। रूट एक्स से मल्टीप्लाई रूट एक्स से डिवाइड, लो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 टी एच, और ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर करेंगे तो माइनस आएगा 1 माइनस 2x, तो क्या करोगे माइनस 2x से मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 2 से डिवाइड, फिर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी, पहले करो यहाँ तक नोट, इसको वीडियो पॉज करके कर लो। लो जी, लो जी, ये भी 3 माइनस मिलेंगे तो माइनस ही आएगा। ये जरा ध्यान रखा करो इसका, dt by root t and also divided by the derivative of internal mass. Karo ji ma'am. Vaise to pause the video and copy the answer. लो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 का, अंदर से अगर एक्स की पावर 4 कॉमन लें तो पावर मल्टीप्लाई होगा, बाहर तो क्या आएगा क्यू भी आएगा,
एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स क्यूब अंदर ही अंदर हो जाएगा, ये डी एक्स ओवर एक्स की पावर 5 को टी ले लो, इस डी टी बाय डी एक्स माइनस डी टी, ये बदल गया माइनस डी टी में, ये हो गया टी की पावर 3 बार। ठीक है जी, इसमें x को लेट कर लो t की पावर 6, जब t की 6 रखोगे ये बचेगा t का क्यूब, ये बचेगा t का स्क्वायर, t स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर अंदर, t प्लस 1 बचेगा, ऊपर क्या बचा t क्यूब, लो डिवाइड कर दो, पावर ज्यादा है कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड, टी को रिप्लेस करो, टी को रिप्लेस करो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ गया जी मिसलेनियस का, टाटा बाय बाय जाती है इंडेफिनेट को, यहां पर तो कितना कुछ है पढ़ने को, कॉस को लिखो साइन 90 माइनस एक्स, बचा क्या 90 माइनस एक्स, डीएक्स एक्स होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, कहानी खत्म।